नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम इवनिंग स्नैक्स के लिए रागी के आटे से कैविज का कबाब बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 100 ग्राम कैविज लिया था, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक गाजर, करी पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और अदरक, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है और अदरक को कद्दूकस कर लिया है। और साथ में रागी का आटा, बेसन, सफेद तिल, रेड चिली फ्लेक्स, नमक और तेल लिया है। कटोरा में कैविज डालेंगे। इसमें गाजर, अदरक, करी पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, रागी का आटा, बेसन, 2 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें हम इसे डालेंगे। इसे हम यहाँ सैलो फ्राई करके बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसे पलट देंगे और इसे दूसरे तरफ भी मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। यहाँ फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप इसे तेज फ्लेम पर सेकेंगे तो यह ऊपर से तुरंत ही लाल हो जाएगा, लेकिन यह अंदर से कच्चा ही रहेगा। ये दोनों तरफ से पक गया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के भी कबाब बना लेंगे। देखिए, ये अंदर से भी पक गया है। रागी के आटे से कैविज का कबाब तैयार है। धन्यवाद।